गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम हो रही है, कितने 4:30 हो गए हैं और हमने पी ली है चाय और मानवी खेल रहा है। और ये देखिए मानवी किसकी कार लेके आया, जुझार की कार है। तो बस अभी जो है हम डिनर की तैयारी में लग जाएंगे। मम्मा बेटा मंशु, ये किसकी कार है बताओ, किसकी कार है? बस दूर रखो इसको, थोड़ा दूर रखो। तो यहाँ पे हो गई है ठंड, बहुत ठंड इंदौर में भी बहुत, और इस बार तो बहुत ही ज्यादा ठंड हो गई है। पहले नहीं होती थी इतनी, इस बार ठंड हो गई है और जल्दी भी आ गई थी इस बार ठंड। और रोज 3-4 दिन से ठंडी हवा चलती है और मुझे तो लगती भी बहुत ज्यादा ठंड है। फिर मैं पूरा पैक होके रखती हूँ और हीटर चला के, और अभी बस हम करेंगे डिनर की तैयारी शुरू। और शायद मैं आज नूडल्स भी बनाऊंगी, चाउमीन बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको पता है कि मैं इंदौर में रहती हूँ, तो यहाँ पे होगी ये बहुत ही ठंड। और आप लोग भी मुझे बताना कि आप जहाँ जहाँ रहते हो वहाँ पे कितनी ठंड है। मुझे पता है कि नॉर्थ में तो बहुत ठंड होती है क्योंकि मैं हूँ राजस्थान से, और राजस्थान मतलब प्योर राजस्थान नहीं, मैं हरियाणा के बॉर्डर पे मतलब ऐसे हूँ, तो वहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो मैं किसी को बता दूँ कि मैं राजस्थान से हूँ तो लगता है कि शायद मैं इसी साइड से हूँ, कोटा जयपुर, मतलब जयपुर तक ही समझते लोग, बट मैं हूँ पंजाब और हरियाणा, तो वहाँ पे ठंड होती है बहुत। और आप लोग अगर वहाँ से हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपके उधर भी इतनी ठंड होती है। और बस अभी और मालवीय के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि नर्सरी में है और एग्ज़ाम भी है, बट इसके स्कूल में होते हैं नर्सरी में भी एग्ज़ाम प्रॉपर एकदम, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों। तो अभी इसका सेकंड टर्म चल रहा है, आज से शुरू हुए हैं। तो बस अभी वो भी कर रहा था कुछ अपना, उसका रिटर्न भी है थोड़ा बहुत, कल उसका मैथ्स का है। और अगर आप लोगों को चाहिए चाउमीन की रेसिपी कि मैं कैसे बनाती हूँ तो आप लोग मुझे बताना जरूर, बट मैं शायद इस वाले व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आप देख सकते, और उससे पहले मैं फेस पे भी लगाऊंगी बनाना वाला, बनाना हनी वाला पैक, वो लगा के और फिर मैं अपना किचन का काम शुरू कर दूंगी। तब तक वो सूखता भी रहेगा और मेरा किचन का काम भी होता रहेगा। और अगर बीच में मेरी बहनों का कॉल आ गया तो फिर तो बातें शुरू हो जाएगी, फिर तो एक एक घंटे तक चलता ही रहेगा। तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनसे पहले ही कर लेती हूँ। और मेरे प्लांट्स जो मैंने इंडोर प्लांट्स रखे थे, एक प्लांट उनमें से वो मैंने अभी बाहर भी निकाल के रखा है। उसमें ऐसा है कि आप इसको कभी कभी धूप नहीं मतलब बाहर रख सकते हो, धूप दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने इसको बाहर रखा हुआ है और बाकी सब अंदर है, क्योंकि हमारी धूप बहुत ही कम आती है, बालकनी में आती है 12-1 बजे तक, उसके बाद चली जाती है, और वो भी बालकनी में ही रहती है थोड़ी सी, तो ज़्यादा धूप आती नहीं है तो घर बहुत ठंडा रहता है। तो इसीलिए मैंने प्लांट्स भी जो इंडोर प्लांट्स हैं वो भी 4-5 दिन के बाद में मैं बाहर रख देती हूँ एक दिन के लिए, और फिर अंदर ले आती हूँ। तो फ्रेंड्स, और अब मेरे से मतलब कुछ सजेशन हो तो मुझे बताया करो और कमेंट करके, क्या हम जो है ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो। और मुझे लगता है कि लोग जो है मेरे व्लॉग्स ज़्यादा पसंद करते हैं देखना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए नए नए व्लॉग्स लेके आऊँ। और बस अभी तो
तो मैंने कब शुरू किया था चैनल, 3-4 महीने हो गए मुझे। तो आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। जो भी मेरा वीडियो देखता है प्लीज सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लिया करो। और मैंने अभी 3-4 महीने में आज मैंने देखा कि मैंने 61 वीडियोस डाल दी है अपने चैनल पे। 61 वीडियोस बहुत सारी तो बहुत होती है 61। तो आप लोग वो भी अगर किसी ने नहीं देखी है और अभी अभी मेरे चैनल पे आए हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो वो पहले की वीडियोस भी एक बार देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने डाली हुई है, DIYs की भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस। तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं, एक बार जरूर देखें। और मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है सबकी, तो DIYs एंड डेकोर की अलग है, किचन की अलग है, मेकअप की अलग है, रेसिपीज की सॉरी, और ऑर्गेनाइजेशन की अलग है। तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाकर के जो आपको देखना होता है, अगर रेसिपी देखना होता है तो संजूज किचन के नाम से है प्लेलिस्ट, उसमें जाके देख सकते हैं। या फिर हाउस डेकोर के लिए DIYs देखना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे और सुंदर DIYs मैंने किए हुए हैं, तो उसके लिए आप DIYs एंड डेकोर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, क्योंकि मेरी वीडियोस 61 हो चुकी है, तो वैसे देखोगे तो आपको मिलेगी नहीं, मतलब मिल तो जाएगी पर टाइम लगेगा। इससे अच्छा आप जो भी आपको देखना होता है वो सीधा प्लेलिस्ट पे जाए और वहीं से आप जो भी आपको देखना वीडियो वो देखिए। और जब भी आप वीडियो देखते हो तो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें एंड शेयर भी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ आप शेयर भी कर सकते हो। तो बस, और मुझे लगता है कि मुझे एक दो लोगों ने बोला है कि इंट्रोडक्शन के लिए कि आप बताएं आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हो, मतलब इंट्रो के लिए बोला था। तो मैंने कहा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं जरूर आप लोगों के साथ मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो वो शेयर करूंगी। तो आप जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए और फिर मैं आप लोगों के साथ अपना इंट्रो जो है वो शेयर करूंगी जरूर। मैं कहाँ से हूँ, वैसे तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, और ये मैं राजस्थान से हूँ और हरियाणा बॉर्डर के पास, मतलब तो उस साइड से हूँ, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। बट प्रॉपर मैं ऐसे नहीं बता सकती कि मैं यहाँ से हूँ इसीलिए। और जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैंने क्या पढ़ाई की है, मैं कहाँ पढ़ी हूँ और इंदौर कब आई थी मैं रहने के लिए। हमारी शादी का, वैसे मैंने आपको बताया हमारी शादी कब हुई है, उसके बाद से ही मैं इंदौर आ गई थी और फिर मानवीक। तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी ये चीजें। और मेरा जो अब सबसे बड़ी चीज तो है कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहिए और फिर मैं आप लोगों के साथ एक दिन मेरे हाउस का टूर भी करवाऊंगी। हाँ क्या देखो मानवी को क्या खाना, बताओ क्या खाना है, क्या खाना है? ग्रीन कलर का खाना। क्या ग्रीन कलर का? ग्रीन कलर का चुरी। ग्रीन कलर का मांशु का गुम हो गया, देखो क्या गुम हो गया इसके साथ, क्या था ये ग्रीन। ये मोटू पतलू का जो क्रैक्स आते हैं ना उसके साथ में निकला था ये टॉय मांशु का, और ये मांशु ने कहीं गुम कर दिया है, पता नहीं कहाँ चिपका दिया है। देखो दिखाओ इसके साथ लगता है कहाँ लगता है, दिखाओ बताओ कहाँ लगता है, ये कहाँ लगाने वाला होता है, ऐसे करने वाला। देखो इसमें डाल के ऐसे फेंकने वाला होता है कुछ, और वो दीवार पे जाके सीधा चिपक जाता है ना। चलो हम मानवी का ये ढूंढते हैं और फिर कुछ काम करेंगे। कुछ काम नहीं करेंगे क्यों? आपको नूडल्स नहीं खाना, चाउमीन नहीं खाना? देखो मानवी को नहीं खाना अभी, मैं फटाफट से पहले तो फेस पे लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करूंगी। मेरी ये किसकी कार है? किसकी कार है? किसकी कार लेके आए हो आप ये? जुजार की। तो वापस कब देके आओगे?
कल लेके आओगे? आज आपको एग्जाम कैसा हुआ? इसको लेके आना है। ओके दे आना। नहीं। क्यों नहीं देना? ये तो जुझार की है ना? नहीं। तो फिर आज आपका एग्जाम कैसा हुआ था? तो बस मैं अपना फेस जो है क्लीन करके और फिर मैं अपना फेस पैक लगा लूँगी। और इसका वीडियो जो है मैंने पहले भी डाला हुआ है, बनाना और हनी का फेस पैक जो है वो मैं यहाँ लगाऊंगी। तो फेस मास्क मेरा मैंने लगा भी लिया और अभी सूख भी रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं किचन में जाती हूँ, बट बहुत ही ठंड लग रही थी फेस मास्क वहाँ पे लगा के, इसलिए मैं यहीं पे खड़ी हो गई। और तब तक ये सूख भी गया है, इसको 10 से 15 मिनट हो गए, बस अभी इसको रिमूव करूँगी, उसके बाद ही मैं किचन में जाऊँगी। क्योंकि ऐसे ही मैं जा रही हूँ तो फेस पे बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा था, तो मैं ही यहीं पे हीटर के पास ही खड़ी हो गई और बस यहीं पे जल्दी थोड़ा सूख भी जाएगा और ठंड भी नहीं लगेगी। आप लोगों को बताती हूँ कि मैं डिनर में क्या बनाने वाली हूँ आज। तो अभी बस चलते हैं किचन में और ये देख सकते हो। और फिर मैंने सोचा मैं सुखा ही लेती हूँ इसको, नहीं तो बाल आ जाते ना, अगर बालों में ही लग जाते हैं ना बनाना के छोटे छोटे पीस, मतलब फिर बहुत ही वो अंदर ही चिपक ही जाते हैं, उतरते ही नहीं है। इसलिए मैं यहीं पे खड़ी हूँ कि बस ज़्यादा हिलूंगी तो फिर ये बाल आ जाएंगे आगे और चिपक जाएंगे, इसलिए बस मैं यहीं पे खड़ी हूँ इसको सुखा के। तभी मैंने फेस वॉश कर लिया है और चलिए अब चलते हैं किचन में। और चाउमीन का मैं देखती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड टाइम से आते हैं तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो शायद नहीं बनाऊंगी। अभी मैं उनसे पूछती हूँ फ़ोन करके कि वो टाइम से निकल रही है कि नहीं ऑफिस से। तो फिर उससे पहले मैं सब्जी बना दूंगी और सब्जी में बनाऊंगी ब्लैक वाले चने जो मैंने कल परसों भिगो के रख दिए थे और वो स्प्राउट्स बन गए हैं आज, तो वो बनाऊंगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं डिनर की तैयारी। अभी मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ स्प्राउट्स की, ब्लैक वाले चने जो है वो। तो बस मैं कर रही हूँ अभी सब्जी बनाने की तैयारी और उसके लिए मैंने लहसुन छील लिए हैं, प्याज व्याज सब काट लिए हैं और जो चने हैं उनको मैं मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड करूंगी, बस थोड़ा सा क्रश करना है हमें। ये देखिए थोड़ा सा घुमाना है बस और फिर हमारे जो चने जो है वो क्रश हो गए हैं। और अब मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैं कढ़ाई में तेल डाल दिया है और लहसुन जो है वो मैंने कूट लिया है और उसमें पानी डाल के सारे मसाले हल्दी धनिया नमक मिर्ची सारे इसी में मिक्स कर लूँगी। बहुत ही इजी है ये सब्जी बनाना। और बस फिर मैंने डाल दिया है हींग, थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा जीरा और फिर प्याज हरी मिर्च। और प्याज जब हमारे थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन फिर मैं डाल दूँगी टमाटर, जैसे नॉर्मल वो बाकी की सब्जी बनाते वैसे ही मैं इसको भी बनाती हूँ और बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस जब तक प्याज मेरे फ्राई होते हैं उसके बाद और साथ के साथ जो है मैं नूडल्स के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। तो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा एक पत्ता गोभी, एक गाजर और शिमला मिर्च और टमाटर हरी मिर्च, ये सब मैंने उधर जो है चाउमीन के लिए निकाल के रखे हुए हैं। तो बस मैंने कढ़ाई में अभी टमाटर डाल दिए हैं और जो मसाला था हमारा वो डाल दिया है, थोड़ा सा पकने के बाद में जो ये चने जो हमने क्रश किए थे वो डाल दिए हैं और बस अब पानी डाल के और ढक के इसको पका लूँगी। मैंने पानी डाल दिया और ढक के। तो फ्रेंड्स मेरे नूडल्स भी बन गए हैं, चाउमीन बन गए हैं और सारी डिनर की भी तैयारी हो चुकी है, मैंने सब्जी भी बना ली है, आटा लगा के रख दिया है और पूरी किचन जो है साफ कर दी है, बर्तन वर्तन सब कर दिए हैं और पूजा भी कर दी है। बस अभी हम चाउमीन खाएंगे
और फिर मौसी के साथ थोड़ी देर नीचे घूमने जाएंगे, वो करके आएंगे। अभी भी मन में कुछ खेल रहा है। और फिर हम डिनर करेंगे और तब तक मामी के पापा आते हैं, तब तक मैं ये कुशन देख रहे हो आप, इनके कवर मैंने वॉश कर दिए थे, अभी ये कर देती हूँ काम तब तक, और जो अभी कपड़े फोल्ड करने का काम है वो कर देती हूँ। एक काम से फ्री हो तो दूसरा काम जो है हमारा तैयार रहता है। और यहाँ पे मेरी वीडियो जो रुक गई थी, और फिर अभी हम यहाँ बैठ गए हैं, अपना चाउमीन भी हमने खा लिया था, और बस अभी थोड़ी देर खेलेंगे मांशु के साथ। और है नहीं तो आप उड़ा सकते हो बीच में। स्पैरो, ईगल, ईगल, ईगल उड़, पिजन उड़, और है और कौन कौन से बर्ड्स होते हैं? मेरी बारी है, ठीक है, मैं बोलता हूँ। पिकॉक। अब मेरी बारी है, ठीक है। मीना, 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 ईगल उड़, ईगल उड़, पिग उड़। मस्त करेगा, मस्त करेगा, मस्त करेगा। दोनों करो। दोनों नहीं, एक ही करेगा, कोई भी एक कर सकता है। एक नहीं, दोनों करो, दोनों। पहले एक की बारी आएगी, पहले एक की बारी आएगी, चलो मान भी करेगा, पहले चलो मान भी करेगा, पहले करो, रुको तो सही। मारना नहीं है। नो, नंबर मिट, अरे मारा क्या मिट हो रही है, मुझे कौन मारे तो बीच में ना, नंबर मिट मैं मान जाती हूँ, पकड़ रहा है मुझे मेरे हाथ, मंचू की भी होगी, चलो मंचू ने भी किया था, आप करो ऐसे, नंबर मिला ला, चलो अब मैं करती हूँ, पिजन उड़, पिजन, पिकॉक उड़, पिकॉक, स्पैरो उड़, स्पैरो उड़, ईगल उड़, ईगल उड़, ओने, गोट उड़, गोट, गोट नहीं उड़ती, गोट नहीं उड़ती, किसी ने नहीं उड़ाई, नहीं मैं तो ऐसे बता रही थी, मैंने उड़ाई नहीं, मैंने उड़ाई नहीं है। छोटा सा व्लॉग गेमिंग का पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक।